फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ आ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक जिनका डायमीटर 200 मीटर है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड का टाइम लगता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, क्या वो डिस्टेंस कवर करेगा। एंड और द डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब 2 मिनट 20 सेकेंड में, ठीक है, हमें बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो कितना होगा 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब ये और आसान करते हैं। मान लीजिए कि ये सर्कुलर ट्रैक है जिनका डायमीटर कितना है 200 मीटर का। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि एथलीट जो है वो ए पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और ये बी पॉइंट हमने माना है। तो एथलीट एक एथलीट को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है 40 सेकंड का। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना राउंड वो कवर करेंगे। जब सबसे पहले निकालना है कितना राउंड वो कंप्लीट करेगा, ठीक है, उसके बाद में हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टाइम गिवन है अपने पास में, ठीक है, टाइम क्या गिवन है, ठीक है, 40 सेकेंड में हम कह सकते हैं यहां से वन राउंड है ना, यही कंप्लीट कर दें, वन राउंड कंप्लीट करने में उनको कितना लग रहा है, कंप्लीट वन राउंड कंप्लीट इज इक्वल टू 40 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम क्या होगा 2 मिनट है तो 2 को मल्टीप्लाई 60 से कर दो प्लस 20 सेकेंड, इसको जब जोड़ते हैं तो मिलता है हमें 6 × 12 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड। ठीक है, ये टोटल टाइम आ चुका 140 सेकेंड। अब अपने को क्या करना है, तो अपने को ये करना है कि हम निकालते हैं नंबर ऑफ राउंड है ना, नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालोगे, ठीक है, नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालोगे, टोटल टाइम 140, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक राउंड जो कंप्लीट कर रहा है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4×1=4, 4×3=12 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगा दे 4×5=20, तो कितना राउंड कंप्लीट करेगा 3.5 यानी कि 3.5 बार है ना, 3 राउंड वो कंप्लीट करेगा और यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक है, ये बी पॉइंट है, इसको थोड़ा सा खिसका देते, तो राउंड तो पता चल गया, अब निकालते हैं डिस्टेंस। ठीक है, नाउ डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है जरा याद करो, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, अब या तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो टाइम आपके पास में गिवन है, ठीक है, टाइम आपके पास में गिवन है, लेकिन ये किस पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर है तो पैरामीटर लोगे यहाँ पे 2πr इनटू टाइम आपके पास में, यानी कि राउंड जो है वो कितना है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं और आसान कर दूं, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस इनटू टोटल राउंड, ठीक है, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को समझ में, सर्कमफेरेंस 2πr, राउंड कितना है 3.5 है, ठीक है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वही लगेगा, कंफ्यूज मत हो, ठीक, तो 2 × π की वैल्यू 22/7, और रेडियस अपने पास में देखो कितना है,
अगर अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? क्या रेडियस 100 मीटर नहीं होगा? ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डायमीटर बाई टू, तो डायमीटर 200 है, ठीक है, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ गया। ठीक है, तो रेडियस कितना है, 100 इंटू 3.5, अगर इसकी पॉइंट हटा दें तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 5 35, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 44 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 और 2 22, और यहाँ पे 10 रह गया है तो इसको 50 कर लो यार, 50 कर लो, कितना आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया 2200 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2200 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन जानते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पाथ। ठीक है, तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 200 ही होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से अपना आंसर कौन सा है, जो करेक्ट है वो ए है। देखो आप अगर चाहो तो इसको जो है, जो मैंने पहले लिखा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसमें बैठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना सरकमफ्रेंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल राउंड के साथ में, तो हमारा पता क्या चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो भैया उतना ही रहेगा, ठीक है 200 ही रहेगा। देखो जरा सा, अरे बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या रहा है जरा से देखिएगा, कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड। कह रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिनका रेडियस 42,250 किलोमीटर है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या है? ठीक है, यानी कि क्या है, या तो स्पीड कैलकुलेट करो, ठीक है, निकालो। इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यदि 24 घंटे उन्हें लगते हैं अर्थ को रिवॉल्व करने में, घूमने में, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लेनेट है अर्थ है 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, ये हम लोग जानते हैं। और आसान करते हैं, कह रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिनका रेडियस 42,250 किलोमीटर है, तो उसका स्पीड क्या है, कैलकुलेट करें यानी निकाले उसका स्पीड क्या है। ठीक है, यदि उन्हें एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है अर्थ के, ठीक, तो आइए हम मान लेते हैं कि यह हमारा ऑर्बिट है, अंडा जैसा लग रहा है भाई, बिठा दिया जाए, ये हमारा रेडियस है, और रेडियस अपने पास में गिवन है 42,250 किलोमीटर। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है ना इसके अराउंड में, और इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 24 घंटा का समय लगता है, तो दिया क्या क्या है जरा सा देख लो। ठीक है, अपने पास में दिया क्या है, तो रेडियस दे दिया है 42,250, और टाइम दे दिया अपने पास में 24 आवर्स, यह है किलोमीटर। जरा आंसर देखो किसमें देना, किलोमीटर पर सेकेंड में देना, तो इसको चेंज कर दें तो 24 को ऐसे ही लिख लिया, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में क्या, टाइम आ गया। ठीक है, टाइम आ गया, आराम से देखो।
अपने को निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन। और मैंने जब आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा रहा था, वहां मैंने बताया था कि जो इसमें डिस्टेंस लोगे वो डिस्टेंस कैसा लोगे, आप यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस लेंगे सर्कमफ्रेंस का, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वही लेना है अपने को डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना जाएगा, 2π r आ जाएगा बाई टाइम, ठीक है। वैल्यू रखा जाए फिर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 42250, ठीक है, डिवाइडेड बाई 24 × 60 × 60, ठीक। आगे में चलते हैं, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ ही, जरा सा देखो हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2 × 22 × 42250 डिवाइडेड बाई 24 × 60 × 60 × 7, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ, लॉन्ग हो जाएगा टाइम बचाने के लिए। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा, पहले कुछ कैंसिल कर दें क्या, चलो इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 12, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक। अब ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो न्यूमरेटर वाला मैं कर रहा हूँ 22 × 4225, तो इसको हमने प्रोडक्ट किया तो ये हमें यहाँ से मिल गया 92950 डिवाइडेड बाई 60 × 7 × 6 × 12, ये आ गया हमारे पास में 30240, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 9295 डिवाइडेड बाई 3024, कितना आ गया ये, पहले इसको कॉपी कर दे, 9295 डिवाइडेड बाई 3024, ठीक। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा v इज इक्वल टू 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको कैलकुलेट करना था, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो देखो यार, क्वेश्चन को पढ़ो और उसको जो है ना देखो कि आपको दिया क्या है, ठीक है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है। हमें स्पीड पूछा था, ठीक है, तो हमने यहाँ से स्पीड निकाल लिया, और लेंथी प्रोसेस से कर सकते थे आप। सबसे पहले हो सकता है कि आप किलोमीटर में कैलकुलेट करो, फिर बाद में उसको आप जो है सेकंड में कन्वर्जन करो। हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्या किया कि एक साथ में लेके इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन कराते हैं, पहले इसको आप कॉपी करेंगे,